जय श्री। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में आने वाली नई वैकेंसी 2024 के बारे में, जो कि बिहार पुलिस स्टाइल 112 वैकेंसी के अंतर्गत ये जो भर्ती देखने को मिलेगी, और इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या रहने वाली है वो आपको 19,288 रहेगी, जो कि बम्पर भर्ती आप सभी कैंडिडेट के लिए रहेगी, जिसमें आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुलिस कॉन्स्टेबल, दरोगा, जिसमें जो भी कैंडिडेट कॉन्स्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं सिंपली उनको आपको 12वीं पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट दरोगा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर क्या कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है, कैसे आपको आवेदन करना होगा। इससे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की रिगार्डिंग पर्पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। देखिए, मैंने बिहार पुलिस के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल को ओपन कर रखा है, जो कि बिहार पुलिस के द्वारा ट्वीट करके जानकारी मेंशन किया गया था। ERSS यानी कि जो इमरजेंसी सेवा है, जिसमें द्वितीय चरण के लिए 19,288 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही और चालक यानी कि यहाँ पे सारे पोस्ट ऑफ वैकेंसी आएगी, कॉन्स्टेबल, ड्राइवर, इसके अलावा SI, इसमें सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल पोस्टों की संख्या मिलाकर आपको 19,288 रहने वाली है। अब देखिए, आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर जो ट्वीट है ये कब का है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 2 घंटे पहले का ये ट्वीट है, लेकिन मैं बता दूँ कि काफ़ी दिन पहले का ट्वीट है, यहाँ पर 2 घंटा पहले जरूर लिखा गया है, लेकिन काफ़ी दिन पहले ही बिहार पुलिस के द्वारा ये ट्वीट किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिले हैं कि वैकेंसी आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बताता हूँ कि आखिरकार कब से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जानते हैं कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम जो कि 21 से 391 पोस्ट पर होना था वो आपको अगस्त में होने वाला है, 7 अगस्त से, और इसी एग्जाम के लिए मैं आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूं, जो कि इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत आप कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है, जो कि अगस्त में होना है, और आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, क्योंकि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इसके अलावा 7 सोल पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आखिरकार पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है, जो कि चशु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। बुक के अलावा आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट ऑफ वैकेंसी आएगी और कब से आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया पोस्ट नेम में जो आपका पुलिस निरीक्षक का होगा, इसके अलावा पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि SI का पोस्ट रहेगा, चालक सिपाही यानी कि ड्राइवर का भी यहाँ पे वैकेंसी आने वाला है, लेकिन याद रखिएगा ड्राइवर के लिए वहीं आवेदन कर पाएंगे जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस हो यानी कि DLO, वो भी 1 वर्ष पुराना मांगा जाता है, ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल सीटों की संख्या 19,288 देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अप्लीकेशन फी आपको सेम लगेगा जैसे कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में लगता है। जनरल OBC EBC के लिए आपको 675 रुपया देना होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। SC ST के लिए 180 रुपया चार्ज आपको अप्लीकेशन फी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना होगा कि कॉन्स्टेबल के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेबल या फिर ड्राइवर के लिए भी आवेदन करते हैं तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है, साथ में आपको DL यानी कि ड्राइवर लाइसेंस भी मांगा जाएगा, लेकिन अगर यहीं अवर निरीक्षक यानी कि SI के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल में मेंशन किया गया है। एज लिमिट आपको 18 से 25 रखा जाता है नॉर्मली, इसमें आपको एज में छूट भी देखने को मिलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको सेम रहेगा बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की तरह, सबसे पहले आपका उम्र बेसिक एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या ये फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, इसका ऑनलाइन डेट क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ जून 2024, यानी कि मेंशन किया है कि जो आपका ऑफिशियल नोटिस है ये जून के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल, इसके अलावा ड्राइवर और SI सभी के लिए, जो कि डायल 112 के अंतर्गत आते हैं। अब आपके मन में डाउट हो सकता है क्या कोई ऑफिशियल अपडेट आया है, तो देखिए न्यूज आर्टिकल के माध्यम से जानकारी मिली है कि चुनाव के बाद ये जो वैकेंसी है जो रोका गया है ये वैकेंसी आने वाली है। अभी आपका ज़्यादा समय बचा नहीं है, मई का समाप्त होने वाला है, 1 महीने के अंदर ही जो है आपका ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा।
इसका आवेदन आपको यहाँ पे जुलाई में सेंड किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि जून के लास्ट वीक में या फिर थर्ड वीक में स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप इसके बारे में खुद से रीड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्होंने लिंक दे रखा है, या फिर आप dailyjobdekho.com को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी आप इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद न्यू अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस डायरेक्ट 112 वैकेंसी 2024। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।